तो उन मासूमों के लिए, जो आतंकवादी उनको मासूम कहा उन्होंने, उनके लिए आंसू निकल गए, तो ये आंदोलन बहुत उग्र होकर पूरे देश में चलेगा। दिमाग का दिवालियापन निकल गया, कोई औकात नहीं है, कोई किताब खरीद लेगा या किताब बेच देगा, अगर कोई बेच के बताए तो गोली मारने की हिम्मत रखते है। सगला दर्शकान राम राम, स्वागत है थारो जल को झुंझुनू गवा। मेरो नाम है आदर्श और मेरे साथ है कैमरामैन अरविंद। आज आप पूछा झुंझुनू कलेक्ट्रेट के ऊपर अड़े, अभी कुछ ही देर के अंदर जो हिंदू जागरण मंच है वो एक धरना प्रदर्शन करे नालो है और साथ में वो पुतला दहन भी करोगे, जिसके पीछे कारण यो है कि सलमान खुर्शीद जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं कांग्रेस सरकारों, वह एक किताब लिखी सनराइज ओवर अयोध्या नामू, जिसके अंदर की पेज नंबर 113 चैप्टर नंबर 60 के अंदर कुछ है कि बात लिखी जी कि जो हिंदू समाज का लोग ही बन ठेस पहुंची बिम बात है ही कि जो ISI और बोको हरम जय का आतंकवादी संगठन ही बाकी सागे हिंदू धर्म की तुलना करी है भी किताब के अंदर, जी का चालता कि जो हिंदू जागरण मंच ही मंच है और भी गलाओ पूरे देश भर में जितना भी हिंदू संगठन ही वह लगातार ही चीज़ के ऊपर आंदोलन कर रहे हैं और इस चीज़ को जो प्रकाशन है और इस चीज़ ने बेचनो खरीदनो इस चीज़ की बंद करने की जो मांग है बिन ले की लगातार आंदोलन कर रहे हैं और आज ये आंदोलन की आग झुंझुनू शहर के अंदर भी पहुंची। बी की लाइव कवरेज स्थान दिखा सा आज जो रैली थे काटी है बारे में जानकारी। सलमान खुर्शीद जो पूर्व केंद्रीय मंत्री है कांग्रेस के, उन्होंने एक पुस्तक प्रकाशित की है, उस पुस्तक के अंदर है सनराइज ओवर अयोध्या, उसमें हिंदुत्व की तुलना जो है वो ISI बोको हराम जो आतंकवादी संगठन है इंटरनेशनल लेवल पर है उससे तुलना की है। ये बहुत ही घोर अपराध उन्होंने किया है और हिंदू समाज का अपमान किया है, हिंदुत्व का अपमान किया है। हिंदू समाज जो है वो वसुधैव कुटुंबकम की धारणा के साथ में सबको साथ लेकर के हिंदू जो कभी भी किसी धर्म के लिए कभी कोई टिप्पणी नहीं करी है, उन्होंने हिंदू समाज की ओर बहुत बड़ी टिप्पणी करी है जो हमारे लिए बर्दाश्त के बाहर है, और ISI जैसे संगठन से उन्होंने तुलना करी है, ये बहुत ही उन्होंने अपराध किया, बड़ा अपराध है और ये सोची समझी योजना के तहत है। ये वही सलमान खुर्शीद हैं जो बाटला हाउस में जब आतंकवादी हमला हुआ था वहाँ दो आतंकवादी मारे गए थे, तो उन्होंने कहा था मैंने हमारी नेता को जब जानकारी दी तो उन मासूमों के लिए, जो आतंकवादी उनको मासूम कहा उन्होंने, उनके लिए आंसू निकल गए। किताब के अंदर श्री राम और जो हिंदू धर्म की कुछ तारीफ भी बापर शायद ध्यान को दी होगा, तारीफ वो दिखावे के लिए है, उनका सीधा सीधा तारीफ कहां शेष रह गई जब उन्होंने इसकी तुलना आतंकवादी संगठन बोको हराम से कर दी, ISI कर दी, तो तारीफ का तो कोई विषय नहीं बचता उसके अंदर। और ये एक सोची समझी, मतलब मैं कह सकता हूँ कि वो एक निश्चित उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि वो कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, तो कोई ये आकस्मिक घटना नहीं है। उनको बयान है भी है कि जो भी बात वो किताब के अंदर लिखी है बस सारी चीज पार्टी की जो सोच है भी जुड़ेड़ी ही, तो अगर पार्टी का जब तक कोई दिक्कत नहीं हो कांग्रेस पार्टी का जब तक नहीं बात चीजें हटाओ को नहीं। ये ऐसा लगता है कि ये माध्यम से ये कांग्रेस ने अपनी सोच को प्रकट किया हिंदू के प्रति, कि कांग्रेस पार्टी की हिंदू के प्रति क्या सोच है, इस सोच को प्रकट किया है। कांग्रेस पार्टी ने ही इसकी तुलना जो है आतंकवाद से करवाई है, और जब तक सलमान खुर्शीद को पार्टी निष्कासित नहीं करती है, वो पूरे देश से माफी नहीं मांगते हैं, तब तक हम इस आंदोलन को जारी रखेंगे। और हम महामहिम राष्ट्रपति जी से आज कलेक्टर साहब के माध्यम से ज्ञापन दिया है कि उनको गिरफ्तार किया जाए, इस पुस्तक को पूरे देश में बैन किया जाए, यदि नहीं करते हैं तो ये आंदोलन बहुत उग्र होकर पूरे देश में चलेगा। इस आंदोलन को पूरे देश में हिंदू जागरण मंच कर रहा है, पुतला दहन करेंगे, कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है और अभी पुतला जलाने वाले हैं, और ये देश है ने गांव ढाणी, ये आंदोलन गांव ढाणी तक पहुंचने वाला है, इसलिए देश हमारे महामहिम राष्ट्रपति से मांग करते हैं कि वो तुरंत उस पुस्तक को बैन करके और सलमान खुर्शीद को गिरफ्तार करें, उनके खिलाफ कानून कार्रवाई करें। हिंदू जागरण मंच जिला कलेक्टर के पास में हमने ज्ञापन दिया है, ज्ञापन देने पे यहाँ के भारत के अंदर हमने सबसे बड़ी पंचायत में सरमौर बना के रखा लोकसभा के अंदर, उस व्यक्ति का दिमाग का दिवालियापन निकल गया और उसने अपनी कलम की ताकत से, जिस कलम की ताकत से ये देश 800,000 वर्ष तक गुलाम रहा, पुनः एक साजिश के तहत कलम की ताकत से उसने ऐसी किताब लिख डाली जो देश वसुधैव कुटुंबकम की भावना, धर्म की रक्षा हो, धर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, इस भावना को लेकर के जो चलता है और एक ऐसा जहरीला वातावरण इस देश में पैदा कर रहा है किताब के माध्यम से, हम मांग करते हैं उसको बंद की जाए उस किताब को, और उसकी बिक्री पे रोक लगनी चाहिए, गिरफ्तार करके जेल में डालना चाहिए। जो इतना बड़ा आदमी है उसने इतना बड़ा अपराध किया है, उस अपराध के तहत बड़े अपराध के तहत बड़े आदमी को बड़े अपराध की सजा मिलनी चाहिए, इसकी हम मांग करते हैं। और इसी चीज को लेकर के हम ज्ञापन देकर के आए कलेक्टर
ज्ञापन के अंदर जो मांग लिखी है वह क्या कही? ज्ञापन के अंदर हमने सबसे बड़ी मांग तो यही लिखी है, इस किताब पे बैन किया जाए, ये एक साजिश है। और जो लोग शांति प्रिय लोग हैं, मानवतावादी लोग हैं, उन लोगों को आतंकवादी जैसे संगठनों से तुलना जो कर रहे हैं, उन लेखकों किताबों को बंद किया जाए। ज्ञापन के बाद भी अगर किताब बैन नहीं होगी तो अगला कदम क्या होगा? ज्ञापन के बाद अगर किताब बैन नहीं होगी तो सलमान खुर्शीद अपने घर से नहीं निकल पाएगा, ये हम दावे के साथ कहते हैं। कोई औकात नहीं है, कोई किताब खरीद लेगा या किताब बेच देगा, ये संपूर्ण विश्व समाज, मानव समाज जग चुका है इस चीज को लेकर के। कोई गलत प्रेमी का शिकार है, अगर कोई बेच के बताए तो गोली मारने की हिम्मत रखते हैं। आप लोग कह रहे थे, अभी बात हो रही थी कि कांग्रेस, मैं कह रहा हूँ वो खुद के धर्म को डबो रहा है और कांग्रेस पार्टी को भी ले डूबेगा। जल्दी आप देख लेंगे कांग्रेस पार्टी भी उसको निष्कासित करेगी, अगर इस देश में कांग्रेस पार्टी को भी सम्मान चाहिए तो, वरना ऐसे लोगों को बाहर निकालना पड़ेगा, उनका दिमाग का दिवालियापन निकल चुका है। ये कहना हमारा, किताब कहाँ बेच देंगे? सरदार लोगों ने जो ताकत दिखाई थी कलम की, उसका परिणाम हुआ ये देश 800 साल तक गुलाम रहा। अब दोबारा हम ये ऐसी गलती नहीं होने देंगे, कहीं भी नहीं होने देंगे। 100 करोड़ हिंदुओं की भावना को ठेस पहुँचाई है एक अयोध्या सनराइज, उस पुस्तक को वेन करने के लिए आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। जिला कलेक्टर महोदय को हमने ज्ञापन दिया है। सलमान खुर्शीद, सलमान खुर्शीद, सलमान खुर्शीद, गिरफ्तार करो सलमान खुर्शीद को, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। और थारे साहुआ जो किताब है पर बैन लागनो चाहे या नहीं लागना चाहे भाभी कमेंट करके जरूर बताओ। और जो हिंदू जागरण मंच है वो सही कदम उठा रहे हो या कोई नहीं उठा रहे हो भाभी कमेंट जरूर करियो। जल को झुंझुनू देखता रहो, चैनल ने सब्सक्राइब करो, थारों कोई वीडियो नहीं छुटे के लिए कन जो बेल आइकन है बिन भी दबाओ, वीडियो ज्यादा ज्यादा शेयर करो ताकि लोग बेरो पट सके कि झुंझुनू शहर में आखिर चाल के रहो है। जय हिंद, जय झुंझुनू।